साथियों, पिछले 27 साल से इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 27 साल से एक ही पार्टी की सरकार चली आ रही है। आज ये यूथ टाउन हॉल है, बहुत सारे युवा मेरे सामने बैठे हैं। ये ऐसे युवा हैं जिनके पीछे हजारों युवा खड़े हैं, एक एक युवा के पीछे हजारों युवा और खड़े हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो यहां बैठे 25 साल, 27 साल, 28 साल, 30 साल, 32 साल का, 35 साल का युवा है, आप जब से पैदा हुए या जब से होश संभाला, आपने और हमने गुजरात में एक ही पार्टी की सरकार देखी। गलत तो नहीं कह रहा जी, एक ही पार्टी की सरकार देखी। मैं आज ये कहना चाहता हूं कि एक ही पार्टी की थकी हुई अहंकारी सरकार देख देख कर गुजरात का युवा ऊब गया, थक गया। एक ही रंग की शर्ट भी अगर 27 साल पहनो ना तो इंसान बोर हो जाता है, और या तो थकी हुई अहंकारी सरकार है। इसलिए मैं आपसे आज ये अनुरोध करने आया हूं कि बदलाव के लिए, परिवर्तन के लिए ये जरूरी है कि इस बार चाहे कोई बीजेपी का समर्थक रहा हो, कांग्रेस का समर्थक रहा हो, निर्दलीय समर्थक रहा हो, सारे लोग परिवर्तन की छतरी के नीचे आ जाओ और सारे जने मिलकर इस बार झाड़ू का बटन दबाकर आम आदमी पार्टी को। साथियों, जब से गुजरात बना तब से गुजरात में 35 साल, शुरुआती 35 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार है, और 35 साल के बाद लगातार 27 साल भाजपा की सरकार रही जो आज तक चली आ रही। यानी गुजरात के लोगों ने, गुजराती मतदाता ने 35 साल कांग्रेस को मौका दिया, फिर 27 साल भाजपा को मौका दिया। ना 35 साल कांग्रेस ने आपकी जिंदगी बेहतर करी, ना 27 साल भाजपा ने आपके लिए कुछ बेहतरी का काम किया। जब 35 साल कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई और 27 साल भाजपा कुछ नहीं कर पाई, तो ये 5 साल केजरीवाल को भी देकर देखो, ट्राई कर देखो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जैसे आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, युवाओं के लिए रोजगार हो, महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा हो, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा हो, हर चीज में, हर क्षेत्र में शानदार काम करके एक केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस दिखाया, जब एक बार केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस की लत लग जाएगी ना आपको, तो हर बार चुनाव वाले दिन उंगली अपने आप झाड़ू के बटन पर जाएगी और झाड़ू का निशान लगेगा। मैं आपको इतना जरूर कह सकता हूं कि जब दिल्ली के लोग 15 साल पुरानी कांग्रेस की सरकार लगातार 15 साल पुरानी कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंक सकते हैं और आई लव यू केजरीवाल बोलकर आम आदमी पार्टी की सरकार बना सकते हैं, वैसे ही जैसे पंजाब के लोगों ने 50 साल पुरानी अकाली दल कांग्रेस की सरकारों को उखाड़ फेंका, आई लव यू केजरीवाल बोलकर आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई, वैसे ही इस बार गुजरात के लोगों ने 27 साल पुरानी इस अहंकारी सरकार को उखाड़ फेंकना है, आई लव यू केजरीवाल बोलकर आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई। आज युवाओं के कई बड़े मुद्दे गुजरात के युवाओं के हम सबके सामने, अखबारों में, किताबों में जरूर पढ़ा करते थे कि गुजरात को इंडस्ट्री स्टेट कहा जाता है, यानी कि बड़े बड़े उद्योग, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, फैक्ट्रियां लगती है।
और फैक्ट्री और इंडस्ट्री से मतलब होता है जहां फैक्ट्री इंडस्ट्री वहां रोजगार, जहां जहां इंडस्ट्री लगेगी फैक्ट्री खुलेगी वहां वहां हजारों लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। इस इंडस्ट्री स्टेट की हालत यह है साथियों कि 250 पोस्ट की नौकरी निकलती है सरकारी, 250 पोस्ट, उस 250 पोस्ट की नौकरी पाने के लिए 3-3, 4-4 लाख आवेदन पत्र सरकार को भेजे जाते हैं। यह है बेरोजगारी का आलम, यह है बेरोजगारी के हालात गुजरात में। मैं आज आपको एक वादा करने आया हूं, अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी आप तक पहुंचाने आया हूं, और ये भाजपा का जुमला नहीं है, ये केजरीवाल की गारंटी है कि जैसे जैसे ही गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, हम आने वाले समय में गुजरात के हर युवा को एक पक्की नौकरी देंगे, एक पक्की नौकरी देंगे। यह रोजगार गारंटी देंगे। और जब तक ऐसा तो नहीं है कि सोमवार को सरकार बनी अरविंद केजरीवाल की और मंगलवार को नौकरी मिल जाए, नौकरी बनाने में भी समय लगता है, लेकिन जब तक नौकरी का इंतजाम नहीं होता, जब तक आप लोगों को पक्की नौकरी नहीं मिलती, तब तक एक आर्थिक मदद, एक बेरोजगारी भत्ता 3,000 रुपए हर महीने का हर युवा की जेब में पहले दिन से डालने का काम आम आदमी पार्टी की सरकार करेगी। ये लोग कहते हैं कि युवाओं को 3-3 हजार रुपए दोगे तो सरकारी खजाना खाली हो जाए, युवाओं को 3-3 हजार रुपए दोगे तो ये रेवड़ियों का कल्चर पूरे हिंदुस्तान में फैल जाएगा। रेवड़ी सुना, रेवड़ी कल्चर चल रहा है आजकल, कह रहे हैं रेवड़ी हो गई, रेवड़ी हो गई, बहुत सारी रेवड़ी हो गई। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, इस देश में दो प्रकार की रेवड़ियां हैं, एक है भाजपा की रेवड़ी, एक है केजरीवाल की रेवड़ी। भाजपा की रेवड़ी में मंत्रियों को, सांसदों को, नेताओं को महीने की 4-4, 5-5 हजार यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है, आलीशान बंगले मिलते हैं, हजारों लीटर पानी मुफ्त मिलता है, हवाई जहाज से लेकर बस की यात्रा, ट्रेन की यात्रा मुफ्त मिलती है। यह है भाजपा की रेवड़ी। और दूसरी तरफ है केजरीवाल की रेवड़ी, जिस रेवड़ी में हर गरीब परिवार को 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है, जितना सम्मानजनक जीवन जीने के लिए पानी चाहिए उतने 1,000 लीटर पानी मुफ्त मिलता है, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिलता है, महिलाओं को 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता हर महीने मिलती है, ताकि सब सम्मान से सर उठाकर एक सम्मानजनक तरीके से अपना जीवन जी सके। ये दो प्रकार की रेवड़ी है, बताओ कौन सी रेवड़ी पसंद, भाजपा की रेवड़ी कि केजरीवाल की रेवड़ी? सुनाई नहीं दिया, भाजपा की रेवड़ी कि केजरीवाल की रेवड़ी? तो अगली बार कोई भाजपा का नेता, कोई पोलिंग स्टेशन एजेंट, कोई बूथ इंचार्ज, कोई कार्यकर्ता टकर जाए तो उसको ऐसा ही करारा जवाब देना कि तुम्हारी रेवड़ी तुमको मुबारक, हमें तो केजरीवाल की रेवड़ी पसंद है, हम तो आई लव यू केजरीवाल बोलकर झाड़ू का बटन दबाएंगे। साथ जब बेरोजगारी की गहराई में जाओ तो पता लगता है कि गुजरात का युवा तो बहुत मेहनती है, दिन रात पढ़ाई करकर नौकरी के लिए एग्जाम लिखता है, एग्जाम देने की कोशिश करता है कि बढ़िया नंबर आएंगे, अच्छे मार्क्स मिलेंगे तो बढ़िया नौकरी मिलेगी। लेकिन ये गुजरात सरकार और गुजरात के नेताओं की फूटी नीयत के नतीजा है
कि गुजरात में या तो पेपर लेट हो जाता है, जब होता है तो पेपर लीक हो जाता है, और जब फिर भी ना लेट हुआ ना लीक हुआ तो पेपर का नतीजा ही नहीं आता है, जिसके चलते गुजरात का युवा आज पेपर फूकने से इतना परेशान है कि कई लोगों ने तो आत्महत्या करने तक की कोशिश कर ली, कई युवा जाने चली गई। मैं आज इस युवा टाउन हॉल में अरविंद केजरीवाल जी की ओर से एक और गारंटी देकर जा रहा हूं कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार गुजरात में बनेगी तो आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी की सरकार पेपर फूकने के खिलाफ एक मजबूत कानून लेकर आएगी और पेपर फूकने के लिए जिम्मेदार लोगों को सख्त से सख्त सजा देकर उनको जेल में डालने की, जेल में डालने का काम करेगी सरकार। एक और समस्या, आज बड़ी समस्या गुजरात के युवाओं के सामने है। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन आज गुजरात में नशे का, ड्रग्स की एक नई समस्या आन खड़ी है। हजारों करोड़ के ड्रग्स हिंदुस्तान में आज गुजरात के पोर्ट्स के जरिए घुस रहे हैं, एंटर कर रहे हैं। ऐसे लगता है कि मानो भारत में ड्रग्स का एंट्री पॉइंट गुजरात बन गया हो। कभी इस पोर्ट पे हजारों करोड़ के नशीले पदार्थ पकड़े जाते हैं, कभी उस पोर्ट पे हजारों करोड़ की ओपियम, हीरोइन, न जाने क्या क्या पकड़ा जाता। और इसी के साथ साथ आज गुजरात का युवा जो बेरोजगारी के तले दबता जा रहा है, उस पर एक खासी संख्या ड्रग्स के, नशे के व्यापार में जकड़ती जा रही है। आज ऐसा लगता है कि गुजरात बेरोजगारी के चलते, ड्रग्स के एंट्री पॉइंट के चलते अब पहले वाला गुजरात नहीं रहा, और अब नशों के चलते खास तौर पे उड़ता गुजरात बनता जा रहा है, उड़ता गुजरात बनता जा रहा है। मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं, मैं पंजाब से आता हूं, पंजाब से राज्यसभा का सांसद हूं, पंजाबी हूं। पंजाब के अंदर नशे की एक बड़ी समस्या है जिससे हमारी सरकार लड़ रही है। मैं उस समस्या से मुंह नहीं फेर रहा, लेकिन यह जरूर कहना चाहता हूं कि ये पंजाब सूबे में भी जो नशा सप्लाई करने की कोशिश होती है उसका भी एक बड़ा हिस्सा गुजरात के पोर्ट से भारत में आता है और वहां से पंजाब तक शायद दिया जाता है। ऐसी कई इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स, ऐसी कई तफ्तीश, सर्चेस और कई प्रकार के ऑपरेशंस पंजाब पुलिस ने भी करे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो हम ये जो धारणा बनती जा रही है उड़ता गुजरात की, इसे बदलकर उड़ते गुजरात से उठते गुजरात की ओर जाएंगे, गुजरात को। साथियों, युवाओं की इस आने वाले 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। वो भूमिका सिर्फ पंचे बांधकर गुजरात की जनता को, केजरीवाल को वोट देने की नहीं है, वो भूमिका उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। आज हम एक ऐसे आधुनिक युग में चुनाव लड़ रहे हैं जहां पर प्रचार की सबसे बड़ी ताकत है सोशल मीडिया। आज जो बात सरल तरीके से आप सोशल मीडिया पर बोल सकते हो
फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, स्नैपचैट हो, व्हाट्सएप हो, जो चीज आप सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचा सकते हो वो ताकत आज पर्चे बांटकर और पोस्टर चिपकाकर भी नहीं होगी। और खास तौर पे गुजरात एक ऐसा सूबा, एक ऐसा प्रदेश है जिसमें न्यूज चैनल हो, अखबार हो, मीडिया हो, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के कहने पे चलता है। वो अपनी इच्छा से नहीं चलता, उन विचारों की भी मजबूरियां हैं, हम समझते हैं, उन विचारों पर भी बहुत दबाव बनाया जाता है, डंडे का दबाव, एफआईआर का दबाव, एजेंसी छोड़ने का दबाव, पैसे का दबाव, हर प्रकार का दबाव बनाकर एक बहुत बड़ा हिस्सा मेन स्ट्रीम मीडिया का भारतीय जनता पार्टी वालों ने खरीद रखा है। आज जब गुजरात में रात को 7 बजे 8 बजे न्यूज चैनल पर बहस होती है, डिबेट होती है, वो डिबेट अगर आम आदमी पार्टी के मुद्दे पर भी हो ना, तो एक खिड़की में भाजपा का एंकर बैठा होता है, दूसरी खिड़की में भारतीय जनता पार्टी का समर्थक बैठा होता है, तीसरी खिड़की में आरएसएस का विचारक बैठा होता है, चौथी खिड़की में भाजपा का अधिकृत प्रवक्ता बैठा होता, पांचवी खिड़की में एक भाजपा के पेरोल पे लिया गया कथाकथित पत्रकार बैठा होता है, और सातवां, छठा और सातवां उस न्यूज चैनल के एक दो पत्रकार होते हैं जो पहले से ही भाजपा के इशारे पे काम कर रहे हैं। ये लोग कांग्रेस के प्रवक्ता को फिर बुला लेते, लेकिन आम आदमी पार्टी वालों को नहीं बुलाते, डरते हैं उससे। ठीक कहा आपने, डरते हैं उससे। इसीलिए आज मैं आप सबसे हाथ जोड़कर ये कहना चाहता हूं कि अपनी अपनी जिम्मेदारियां समझो, अपने स्मार्टफोन की ताकत को समझो, और रोजाना सोशल मीडिया पे आम आदमी पार्टी के लिए वोट मांगते हुए मजबूती से कैंपेन करो। ये चुनाव मैंने या मंच पे बैठे लोगों ने नहीं लड़ना, ये चुनाव आप सब ने लड़ना है, अपने स्मार्टफोन की ताकत से लड़ना है। हाथ खड़ा करके बताओ जो जो लोग सोशल मीडिया पे भारतीय जनता पार्टी को जवाब देंगे और आम आदमी पार्टी का साथ देंगे। बहुत बढ़िया।